क्लास फिफ्थ जीके लेसन सेवन मिरेकल्स ऑफ नेचर। मिरेकल्स का मतलब होता है बच्चों चमत्कार या वंडर। सम प्लांट्स गिव अस फूड एंड रॉ मटेरियल्स एंड दे आर हैव ग्रेट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज टू। सम प्लांट्स कुछ पौधे हमको देते हैं फूड एंड रॉ मटेरियल्स। फूड देते हैं एंड रॉ मटेरियल्स। रॉ का मतलब होता है फ्रेश या अनकुक्ड, जिसको न पकाया गया हो या जो फ्रेश हो उसको रॉ बोलते हैं, रॉ मटेरियल। एंड दे हैव आल्सो ग्रेट मेडिसिनल प्रॉपर्टी, और उनके पास मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती है, मींस वो मेडिसिन का भी काम करते हैं, दवा का काम करते हैं। हियर इन दिस चैप्टर वी आर गिविंग इन्फॉर्मेशन सच दीज टाइप्स ऑफ प्लांट्स। इस चैप्टर में हम लोग कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को जो प्लांट्स रखते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एलोवेरा। एलोवेरा इज बिलीव टू हेल्प पीपल स्टे यंग। एलोवेरा को माना जाता है कि यह लोगों को यंग रखने में हेल्प करता है। इट हैज़ ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन स्किन। यह स्किन पे पॉजिटिव इफेक्ट छोड़ता है, मीन्स एलोवेरा इज़ यूजफुल फॉर स्किन इन्फेक्शन और स्किन डिजीज। द जूस ऑफ दिस प्लांट इज यूज फॉर मेकिंग कॉस्मेटिक्स एंड मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग बर्न्स। इस एलोवेरा के जूस का यूज कॉस्मेटिक्स एंड बर्न्स को ट्रीट करने के मेडिसिन में किया जाता है। एलोवेरा कंटेंस ओवर 20 मिनरल्स। एलोवेरा में 20 से ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। All of which are essential for the human body, जो सभी हमारे human body के लिए बहुत ज़रूरी हैं। Essential means very necessary. अश्वगंधा। अश्वगंधा is a herb. अश्वगंधा एक herb है। Herb क्या होता है? Small plants used for treating nervous disorder. Nervous disorder का मतलब होता है brain से related, और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन का मतलब होता है स्टमक से रिलेटेड या इंटेस्टाइन से रिलेटेड। एंड लेप्रोसी। लेप्रोसी एक स्किन डिजीज है। अश्वगंधा का यूज़ नर्वस डिसऑर्डर, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन एंड लेप्रोसी के लिए किया जाता है। ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग द रूट्स बार्क लीव्स फ्रूट्स एंड सीड्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस। ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पौधों के सभी पार्ट, रूट बार्क लीफ फ्रूट एंड सीड्स, सभी मेडिसिनली यूज किया जाता है। दिस हर्ब इज ग्रोन इन इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। यह हर्ब इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश में ग्रो किया जाता है। सैंडलवुड, जिसको बच्चों हिंदी में चंदन की लकड़ी बोली जाती है। सैंडलवुड इज बिलीव टू हैव मैनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। ऐसा माना जाता है सैंडलवुड के पास बहुत ढेर सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। इट इज़ कॉमनली यूज टू क्योर वेरियस स्किन डिसऑर्डर, ट्रीट पेशेंट विथ जॉन्डिस एंड सूद बर्निंग सेंसेशंस। ऐसा माना जाता है सैंडलवुड का यूज़ स्किन डिसऑर्डर, जॉन्डिस में और बर्निंग सेंसेशन, जहाँ पर जलन हो रहा हो उसको सूद करने में हेल्प करता है। आंवला इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। आंवला बच्चों आप लोग घर में खाते हैं, इसका मुरब्बा उरब्बा भी बनता होगा, और ये विटामिन सी का रिच सोर्स है। इट इज आल्सो यूज्ड टू ईज हाइपर एसिडिटी एज नेचुरल लैक्सेटिव। लैक्सेटिव का मतलब होता है डाइजेस्टिव मेडिसिन्स। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव का यूज करता है, की तरह बिहेव करता है। लैक्सेटिव मतलब आपका डाइजेशन अच्छे से होगा। इट आल्सो हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ कफ एंड कोल्ड। यह कफ एंड कोल्ड में भी हेल्प करता है। वाइल्ड टर्मरिक। वाइल्ड टर्मरिक इज ए मेडिसिनल हर्ब, एक टाइप का हर्ब है, विथ स्पेशल एंटीबायोटिक एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। एंटीबायोटिक का मतलब होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से दूर करने वाला सब्सटेंस,
एंड एंटीसेप्टिक का मतलब होता है कट या कोई ऊंड हो जाए या घाव हो जाए इसको जो है प्रिवेंट करता है ऐसे सब्सटेंस। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज के अकॉर्डिंग इट इज़ बिलीव टू प्रिवेंट एंड क्योर कैंसर, या कैंसर तक को प्रिवेंट करता है। सिनेमन इज ए स्पाइस या मसाला है दैट वी आर ऑल फैमिलियर, जबकि हम सब लोग परिचित है, या मिठाइयाँ और पेस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। बट इज़ ऑल्सो बिलीव टू हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, यह इसके पास बहुत ढेर सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी है। ये ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा में यूज़ होता है। ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा दोनों ही ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं।